यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर उसे मौत की नींद सुला देने की सनसनीखेज वारदात का आज उछानी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्यारोपी दो लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। कोतवाली ओझानी के गांव हरहरपुर नरसिंहपुर निवासी हृदेश की 3 वर्षीय पुत्री काजल 3 मई को किराने की दुकान से बिस्किट लेने गई थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची थी। परिजनों के काफी खोजने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। हृदेश ने बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई तो पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई है। आज ओझानी पुलिस ने शक के आधार पर गाँव के वीरेंद्र से जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बच्ची का कंकाल भी बरामद कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने खुलासा करने वाले ओझानी पुलिस की सराहना कर टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। बहरहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जहां गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जनपद बदायूं के थाना ओझानी के अंतर्गत 3 मई 2022 को एक 3-4 साल की बालिका ग्राम हरहरपुर से गायब हो गई थी, जिसका अभियोग थाना ओझानी को लिखा गया था। इस बालिका की तलाश के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत थी और कल इसके जो दो व्यक्ति इसी के गांव के, उनको उनके शक था पहले से, उनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि बच्ची बिस्किट लेकर के दुकान से आ रही थी और ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनसे टकरा गई, इसको चोट लग गई तो ये उसको उठा करके अपने घर में रख दिए। बाद में इस डर से कहीं इसके मृत्यु हो जाए और ये फंस न जाए, उन्होंने इसकी हत्या करके इसका शव कुएं में छिपा दिया। इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही दिनों से इसमें तलाश की जा रही थी। ये ओझानी के इंस्पेक्टर और हमारी एसओजी की टीम और सभी क्षेत्राधिकारी सभी अधिकारियों ने मिलकर के इसमें अच्छा प्रयास किया और लगभग 5 महीने बाद इसका खुलासा हुआ है। इस पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए हमारी तरफ से 10,000 रुपये कैश अवार्ड दिए जाएंगे।